हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। मायसेल्फ अभिषेक कुमार, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यू एंजॉय दिस सेशन एंड स्टडी विद मी। इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइडेड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल and other social media handles. So let's start without wasting any time. Student with me. Welcome back in another session. So today's topic is Kingdom Fungi. So let's start without wasting any time. So Kingdom Fungi जो होता है वो हमारा हेटरोट्रॉफिक एक किंगडम है, हेटरोट्रॉफ सेप्रोफाइट का किंगडम है किंगडम फंजाई। इसमें किंगडम फंजाई यूनिक किंगडम ऑफ द हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, जो किंगडम फंजाई होता है यूनिक किंगडम होता है हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का। वो हेटरोट्रॉफ किस टाइप का होता है? सेप्रोफाइट हेटरोट्रॉफ होता है, जो सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे अपना भोजन बनाएंगे। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब फंजाई जो होता है वो हर जगह पाया जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन होता है। जो फंजाई की ग्रोथ प्रिफर होती है, फंजाई कहाँ पर ग्रो अपनी ग्रोथ प्रिफर करते हैं, वो होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। जो हमारा फंजाई होता है वो अपने वार्म और ह्यूमिड प्लेस में, जहाँ पे हमारा थोड़ा टेम्परेचर हो और नमी हो, वहाँ पे ये ग्रोथ प्रिफर करता है। जो फंजाई जो होता है वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी पे, मतलब उसकी जो फिजिकल अपेरियंस होते हैं उस पे और अपने हैबिटाट पे, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह पाया जाता है, इस वजह से अपना मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, और जो हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता था वो हमारा बैक्टीरिया था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो पे अपने देखा है। ठीक है, जो ब्रेड होता है, ब्रेड मॉल्ड होता है जो हमारा, वो राइजोपस होता है। ऑरेंज रॉट होता है वो पेनिसिलियम होता है। और जो हमारा मशरूम होता है वो एडिबल होता है, इसको हम लोग एडिबल का मतलब हम लोग उसको खाने में यूज करते हैं और ये डिलीशियस भी होता है। ईस्ट आर यूज इन मेड ब्रेड एंड बियर, जो हमारा ईस्ट होता है सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी हमारा ईस्ट ही है, जो कि हम ब्रेड और बियर में यूज करते हैं बनाने में, जो कि एक यूनिसेलुलर ईस्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टीसेलुलर, ज़्यादातर जो फंजाई होती है वो मल्टीसेलुलर होती हैं, बट जो हमारा ईस्ट है वो हमारा यूनिसेलुलर होता है। ये हमारा एक्सेप्शन है कि ईस्ट हमारा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ईस्ट आर यूज इन मेक ब्रेड एंड बियर, जो हमारा ईस्ट होता है वो हमारा ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। सम ऑफ फंजाई कॉज डिजीज, बहुत सारी जो फंजाई होती हैं वो हमारे डिजीज कॉज करती हैं प्लांट एंड एनिमल में। जैसे हमारा प्लांट में क्या डिजीज होता है, वीट रस्ट जो होता है कॉज बाई पक्सिनिया, जो हमारा वीट में रस्ट लग जाता है तो उसको हमारा कॉज करता है वो पक्सिनिया कॉज करता है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारे कुछ होते हैं फंजाई होते हैं हमारी, वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, जो पेनिसिलियम नोटोटम ये हमारा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है। तो पेनिसिलियम एक चांस डिस्कवरी थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना, वो चांस डिस्कवरी थी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी वीडियो में इन डिटेल्स। इन देयर बॉडी, जो फंजाई की बॉडी होती है ये सिलेंडर होती है, लॉन्ग हो सकती है, सिलेंडर लॉन्ग सिलेंडर शेप होगी, थ्रेड लाइक होगी स्ट्रक्चर, इसको हम हाइफी बोलते हैं। इनकी जो फंजाई की बॉडी होती है तो ये थ्रेड लाइक हो सकती है, सिलेंडर लाइक हो सकती है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। और जो हाइफी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के हाइफी को तो हम माइसिलियम बोलते हैं, हाइफी ऑफ नेटवर्क को हम माइसिलियम बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस, कोई हाइफी होती हैं कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, सेप्टा का मतलब कोई इसमें क्रॉस बॉल नहीं है और वो ट्यूब फिल्ड पूरा कंटिन्यूअस है, जैसे एक पाइप है उसमें कोई भी सेप्टा नहीं है और उसमें उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हों उनके साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ऐसी हाइफी जिसमें कंटिन्यूअस वॉल हो और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो और क्रॉस वॉल ना हो, तो उसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। अदर है सेप्टा, किसी में सेप्टा होते हैं और क्रॉस वॉल होती हैं, तो ऐसी हम हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन, जो हमारी काइटिन की सेल वॉल होती है वो हमारी, सॉरी जो हमारी फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है एंड पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होता है हमारा नाक यानी यन एस्टिल ग्लूकोसामिन एंड नाम यन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, ये हमारे यन नाग एंड नाम जो होते हैं हमारे होमोपॉलीमर होते हैं,
ये एक चीज़ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो काइटन होता है हमारा, इसको हम फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं। काइटन को हम फंगस सेलुलोज भी बोलते हैं। जो फंजाई हमारी होती हैं, सम सेप्रोफिटिक पैरासिटिक सिम्बायोटेंट, मतलब कुछ सेप्रोफाइट होती हैं, सड़ी गली चीज़ों पर रहती हैं, कुछ पैरासाइट होती हैं, मतलब दूसरों पर रहती हैं, दूसरों पर अपना जीवन यापन करती हैं। सिम्बायोटेंट मतलब किसी के एसोसिएशन में रहना, मतलब मिल के रहना। जैसे होता है फंजाई एल्गा के साथ मिल के रहती हैं एज ए लाइकेन, फंजाई प्लस एल्गी रहेंगी तो वो लाइकेन हो जाएगा, और फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइक्रोजिया, जो हमारा फंजाई और हायर प्लांट की रूट में रहते हैं तो वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, माइक्रोजिया बोलते हैं उसको, माइक्रोजिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है कैन बी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मींस भी हो सकता है। वेजिटेटिव में हमारे आते हैं, वेजिटेटिव में हमारे आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी बॉडी का एक पार्ट हटा दो, काट के हटा दो और फिर वो नया प्लांट बन जाता है, ऐसे फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन आ गया, बडिंग आ गया, ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है, हमने देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा स्पोर्स की शुरू होता है। स्पोर्स हमारे, इसको हम कोनोडिया बोलते हैं, स्पर्जियो स्पोर बोलते हैं और जू स्पोर बोलते हैं। जू स्पोर इज द मोस्ट कॉमन स्पोर, जू स्पोर इज हमारा मोस्ट कॉमन स्पोर होता है। कोनोडिया आर एग्जोजिनसली, कोनोडिया जो हमारा होता है वो एग्जोजिनसली होता है और नॉन मोटाइल होता है और एसेक्सुअल स्पोर होता है। कोनोडिया जो हमारा था एग्जोजिनसली होता है, नॉन मोटाइल होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है, उसको हम कोनोडिया बोलते हैं। जो स्पोर इज मोस्ट कॉमन, जो स्पोर इज मोस्ट कॉमन स्पोर, जो स्पोर जो होता है हमारा वो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, एंडोजिनसली होता है, मोटाइल होता है क्योंकि इसमें हमारे फ्लैजला पाए जाते हैं और एसेक्सुअल स्पोर है ये। सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, जैसे हमारा ओ स्पोर हो गया, इसको स्पोर्ट्स हो गया और बेसिडियो स्पोर्ट्स हो गया, ये हमारे सेक्सुअल स्पोर्ट्स हो गए। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व, सेक्सुअल साइकिल फंजाई में जो होती है, सेक्सुअल साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, उसमें थ्री स्टेप होते हैं। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी हमारा जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। जो कैरियोगेमी होता है, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये हमारे तीन स्टेप होते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में, यानी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, यानी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, जो कुछ फंजाई में होती हैं टू हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन इमीडिएट रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल, मतलब कुछ फंजाई होती हैं जिसमें टू हैप्लॉइड सेल मिलके डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, बट इन एस्कोमाइसिडीज, जो हमारी एस्कोमाइसिडीज हो गई और बेसिडियोमाइसिडीज हो गई, इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है, यानी एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर सेल, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। अकर्स दिस कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियन, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं, एंड इस फेस को डाइकैरियोटिक फेस भी बोलते हैं ऑफ फंगस, डाइकैरियोटिक फेस ऑफ फंगस बोलते हैं इसको। ठीक है, कि एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे तो हम इसको डाइकैरियोटिक फेस बोलते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, जो इसकी माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी होती है, एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, मेनली फोर क्लास। यानी जो इसकी माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड क्या है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है या नहीं बनती है, इसकी वजह से हम उनको चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। जो कि हमारी चार क्लासेस क्या क्या हैं, हमारी चार क्लासेस हैं फाइकोमाइसिडीज, यानी फाइको मतलब से पता चल रहा है एल्गल फंजाई को हम बोलते हैं, एस्कोमाइसिडीज को हम सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिडीज
और ड्यूटेरियोमाइसाइट। ड्यूटेरियोमाइसाइट को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं और बेसिडियोमाइसाइट को हम क्लब फंजाई बोलते हैं। ये हम आगे देखते हैं। तो हमारा आ गया फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। ये एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड है, तो अपना खाना खुद बना लेगा। ठीक है, द मेम्बर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक। ये हमारे पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी हमारे ज़मीन में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे। तो ऑन डिकाइंग वुड मतलब डिकाइंग वुड पे, और डैम्प प्लेसेस जहाँ पे कचरा वगैरह डैम्प होता है वहाँ पे डैम्प प्लेसेस ऐसे वहाँ पे पाए जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट में, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। माइसिलियम आर ब्रांच एंड सेप्टेड, सॉरी माइसिलियम आर ब्रांच एंड एसेप्टेड। जो हमने देखा था जो माइसिलियम ब्रांच और एसेप्टेड था, जिसको हम सिनोसेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। तो हमारा जितने फंजाई की क्लासेस हैं सिर्फ सिनोसेटिक कंडीशन हमारी फाइकोमाइसिटीज में ही पाई जाती है, इसके बाद हमारा सिनोसेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है। सभी में ये ब्रांच्ड और सेप्टेड होते हैं, बट इसमें फाइकोमाइसिटीज में ये ब्रांच और माइसिलियम एसेप्टेड है। ठीक है, जिसको सिनोसेटिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब वही है कि बॉडी का कोई भी पार्ट हटा दो और वो फिर से बन जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा है जू स्पोर एंड एप्लेनो स्पोर से होता है। जो जू स्पोर होता है मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, ये इंडोजिनसली होता है और मोटाइल होता है बिकॉज इसमें फ्लाजला पाए जाते हैं और एप्लेनो स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट, मतलब सेम टाइप के गैमेट से बनेगा तो वो आइसोगैमस हो जाएगा। इन आइसोगैमस, इन मतलब अपोजिट। ठीक है, इन आइसोगैमस मतलब अपोजिट टाइप के गैमस, मतलब जो उसके गैमेट होंगे वो अपोजिट टाइप के होंगे। और ऊगैमस क्या होता है, एक जो होता है एक गैमेट मोटाइल होगा, एक गैमेट नॉन मोटाइल होगा, तो इसको हम ऊगैमस टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल हैं उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, उसके जो एग्जांपल के लिए मैंने ट्रिक बनाई है वो है रैंप। क्या है रैंप, आर ए एम पी, रैंप। रैंप मतलब कोई बोलते हैं ना कि भाई कोई एंकर आया वो रैंप कर रहा है ना, रैंप। तो रैंप मतलब होता है, आर से मतलब हो गया राइजोपस, तो आर से मतलब हो गया हमारा राइजोपस, ए से मतलब हो गया एल्विगो, यम से मतलब हो गया म्यूकर। और ये जो ट्रिक किसके लिए बनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको, कि हमने ट्रिक बना ली है पता नहीं भाई किसके लिए बनी है। तो पी का मतलब हो गया फाइकोमाइसिटीज के लिए, यानी जो हमारी ये ट्रिक बनी है फाइकोमाइसिटीज के लिए बनी है। और ये हमारे तीन एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, ये हमारे इसी से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं उसी से पूछते हैं, एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही कम आते हैं। अब देखते हैं हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज जो बोलते हैं वह सैक फंजाई बोलते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है। एस्कस, एस्कस को हम उल्टा कर देंगे, एस्कस है तो यस ए सी। ठीक है, तो इसी से बन गया सैक फंजाई, सैक फंजाई बन गया हमारा। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई बोलते हैं। द मेम्बर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, जो एस्कोमाइसिटीज के मेम्बर होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, यानी ज़मीन में पाए जाते हैं। मे बी ये सेप्रोफाइड भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और ये डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। यानी टेरेस्ट्रियल जिसके एस्कोमाइसिटीज के मेम्बर होंगे वो टेरेस्ट्रियल ज़मीन में पाए जाएंगे, और ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। एंड कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कैप्रोफिलस क्या होता है। तो कैप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, यानी गोबर। ठीक है, ये सभी जानते हैं गोबर क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं जिनकी मेंबर जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं, यानी ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। मैंने बताया था ना फाइकोमाइसिटीज सिर्फ ऐसा है जिसमें कि माइसिलियम ब्रांच और ए सेप्टेट है, यानी सिनोसेटिक कंडीशन सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाई जाती है, बट जो इसको मैसेडेज के मेंबर होते हैं वो ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, इनमें सिनोसेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती है।
ठीक है। इसके में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, ये तो मोस्ट कॉमन है। फंजाई में फ्रेगमेंटेशन तो होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनोडिया, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनोडिया होता है। कोनोडिया जो हमारा होता है एग्जोजिनसली, एग्जोजिनसली नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, कोनोडियो स्पोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर आर इंडोजिनसली, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये इंडोजिनसली होते हैं, प्रोड्यूस इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। जिसमें सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो इंडोजिनसली होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, कॉल्ड एस्कस, एस्कस बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर को। दीज एस्कस आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बडिंग, दीज स्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बडिंग, कॉल्ड एस्कोकार्प, इसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। जो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है, तो एस्कोमाइसिडीज को याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक फॉर एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इसके एग्जांपल होते हैं न्यूरोस्पोरा, जिसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ठीक है। एस्परजिलस, वीड ऑफ लेबोरेटरी, एंड क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स और एस्कोमाइसिडीज। जो इसके लिए ट्रिक हो गई हमारी क्या है, नाका, नाका या नासा जो भी पढ़ो आप, नाका वैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नाका, यन से न्यूरोस्पोरा और ए से एस्परजिलस एंड सी से क्लेबिसेप्स एंड ए से ये किसके लिए बनी है, एस्कोमाइसिडीज के, यानी एस्कोमाइसिडीज फंजाई की एस्कोमाइसिडीज क्लास के लिए हमारी ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइसिडीज, जिसको बेसिडियोमाइसिडीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिडीज जो होता हमारा वो क्लब फंजाई होता है। सो दे ग्रो ऑन सॉयल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम, ये हमारी सॉइल पे भी ग्रो होती हैं, ट्री के स्टम यानी ट्री का कोई तना कटा हुआ पड़ा हुआ है तो उस पर ये ग्रो हो जाती हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी लिविंग रहती हैं एज ए पैरासाइट, ये प्लांट बॉडी में भी एज ए पैरासाइट रहती हैं, जैसे हमारा रस्ट एंड स्मट, है ना, रस्ट एंड स्मट, जो रस्ट हमारा काज कर रहा था, वीड में रस्ट कॉज कर रहा था, वो हमारा पक्सिनिया कॉज कर रहा था, ठीक है। कॉमनली नोन, इनकी जो कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, जो इसकी बेसिडियोमाइसिटीज की ज़्यादा नोन है, नोन फॉर्म है कॉमनली, जिसको हम जानते हैं मशरूम को जानते हैं, मशरूम को हम मशरूम बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, एंड पफ वाल्स बोलते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेम्बर्स हैं। माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, इसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नॉट फाउंड, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जनरली नॉट फाउंड, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो यहाँ से आता है कि बेसिडियोमाइसिटीज में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, इसके लिए जो हमारे ट्रिक हैं वो है बापू, बापू, बापू से हम इसको याद कर लेंगे। बी से हो गया हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, ए से हो गया हमारा एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं जो कि हमारा एडिबल होता है, हम इसको खाने में यूज करते हैं, ये बहुत डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। पक्सिनिया, पक्सिनिया जो हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं, जो हमारा वीट में रस्ट कॉज कर रहा था वो हमारा पक्सिनिया ही कॉज कर रहा था। और इस्टुलेगो, इस्टुलेगो स्मिट, ठीक है, इस्टुलेगो को हम स्मिट भी बोलते हैं। तो हमारे ये बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट बचा है वो ड्यूटेरियोमाइसिटीज बताएं, इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज होता है इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इसको हम इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है जो कि अभी हम बताएंगे आपको इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको। इसको कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट तो वही होगा भाई, इसमें सेक्सुअल भी हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो दोनों चीज़ें तभी हम बोलेंगे भाई परफेक्ट है, वरना इसको परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनोडिया, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कोनोडिया के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो ट्रिक हो गई, इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है, तो इसको हम बोल देंगे कैडेट, CADET, ये कैडेट कैडेट इसकी ड्यूटेरोमाइसिटिस की ट्रिक है। सी से कोलिट्राइकम, कोलिट्राइकम जो होता है, कोलिट्राइकम, ये सी से हो गया। ए से हो गया हमारा अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया हो गया। अब ये किसके लिए ट्रिक बनी है, तो डी ई से मतलब हो गया हमारा ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। और जो टी से हो गया ट्राइकोडर्मा, हमारा टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। सो किंगडम फंजाई में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए और बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।